हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एयरपोर्ट्स। तो ये मैप के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने एयरपोर्ट वाले वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो देखो, इसमें जो आपको याद करना है, जो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो है आपका अमृतसर, और ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कांडला सी पोर्ट, और यहाँ से है आपका कोलकाता, ये हल्दिया जिसके बारे में आप पढ़ के आए हैं अभी, सी पोर्ट के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये है आपका एयरपोर्ट, और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये है आपका सी पोर्ट, विशाखापट्टनम ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। लेकिन इसको ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये नहीं कि आप इसको बे ऑफ बंगाल के अंदर दिखाएं, ये है विशाखापट्टनम, ये जहाँ से बना हुआ है। और नीचे आपका चेन्नई, ये चेन्नई है आपका, और ये न्यू मैंगलोर सी पोर्ट, ये न्यू मैंगलोर सी पोर्ट, ये मार्मागाव सी पोर्ट, ये है आपका मीना बक्कम एयरपोर्ट, कोची सी पोर्ट केरल के अंदर, ये कोची सी पोर्ट है, एंड तूतीकोरन सी पोर्ट, ये तमिलनाडु के अंदर है, और ये तिरुवनंत, तिरुवनंतपुरम ये केरल के अंदर है, सी पोर्ट है आपका, ये एयरपोर्ट है। ये पैरादीप एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से पूछे जाते हैं। और ये आपका छत्रपति शिवाजी बॉम्बे के अंदर, छत्रपति शिवाजी, और ये जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। तो ये तो था आपका सारा सी पोर्ट और एयरपोर्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट इज द फर्स्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरपोर्ट एक सबसे तेज चलने वाला, आरामदायक और सबसे प्रेस्टिजियस, यानी कि जिसमें अपनी प्रेस्टेज को शो किया जाता है कि भाई हम एरोप्लेन से आए हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इट बीइंग द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, सारे ट्रांसपोर्ट में सबसे तेज चलता है, इज़ वेल यूटिलाइज इन ज्योग्राफिकली डाइवर्स एंड लार्ज कंट्री सच एज इन विच एयरपोर्ट इज यूज टू इजिली ट्रेवल थ्रू द हाई माउंटेन डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एंड लेंथी सी पार्ट्स। और जो एरोप्लेन है या एयर ट्रांसपोर्ट है, ये किसी प्रकार के ज्योग्राफिकली एरिया में आसानी से जा सकता है, बड़ी कंट्री इंडिया हो जिसके अंदर एयर ट्रांसपोर्ट को खासकर यूज़ किया जाता है कि आसानी से ट्रैवल किया जा सके हाई माउंटेन डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एंड लेंथी सी पार्ट्स के अंदर, सी पार्ट्स के ऊपर। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और एयर ट्रांसपोर्ट है, ये सारी इम्पॉर्टेंस है एयर ट्रांसपोर्ट की, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इन ज्वाइनिंग रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, दूर दराज एरिया को ज्वाइन करने का काम करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर 1911 के अंदर, व्हेन द वर्ल्ड फर्स्ट जब वर्ल्ड की फर्स्ट पोस्टल सर्विस इनिशिएट हुई थी इलाहाबाद से लेके नैनीताल। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज, और एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया 1953 के अंदर। इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस एंड वेरियस अदर प्राइवेट एयरलाइंसेस कंडक्ट डोमेस्टिक ट्रेवल्स, और ये प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल को कंडक्ट करती हैं कंट्री के अंदर, वाइल जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस है, इसे आप
आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं एयर इंडिया से। बाकी जितने भी इन्होंने नाम दिया है, इंडियन एयरलाइंस, एयर अलाइंसेज एयर, ये सारी प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो कि डोमेस्टिक एयर ट्रेवल को कंडक्ट करती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये प्रोवाइड करता है इमरजेंसी के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस को टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इन अनरीचेबल एंड रिमोट एरियाज। तो ये ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन को ऐसी जगह पहुंचाता है जो अनरीचेबल हो और रिमोट एरियाज हो ऑफ द कंट्री, सच एज इंटरनल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जम्मू एंड कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के इंटरनल पार्ट एंड उत्तराखंड के इंटरनल पार्ट के अंदर चीज़ें पहुंचाने का काम करता है, ये ऑयल या नेचुरल गैस वगैरह पहुंचाता है और इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनल एरियाज, इंटरनल एरियाज के अलावा इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड एयर सर्विस नियर बाय द कंट्री। इंडियन एयरलाइंस है वो आसपास की कंट्री के अंदर भी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार एंड मालदीव। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज फोर मेजर एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ये मैनेज करती है फोर एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को, जिनका नाम है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। ये जो महानगर है अपने मेट्रो सिटीज़ हैं। वाइल्ड नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इंडिया की, वो अरेंज करती है नॉन मिलिट्री रनवे फॉर नेशनल एंड डिफेंस एयरपोर्ट। नेशनल और डिफेंस एयरपोर्ट जो नॉन मिलिट्री है वो अरेंज करता है नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन इंडिया एयरपोर्ट हैज़ बीन डिवाइडेड, इंडिया के अंदर एयरपोर्ट को डिवाइड किया गया है फोर कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्कएबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस एंड फैसिलिटीज प्रेजेंट देयर। इनके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है फोर पार्ट्स के या फोर कैटेगरीज के अंदर। फिर है फर्स्ट है आपका इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट सर्विस आर अवेलेबल हेयर, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट सर्विस अवेलेबल है। फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैं जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंट्री के अंदर, और इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट सर्विस को प्रोवाइड करने वाले जो एयरपोर्ट हैं उनके नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, सेंटा क्रूज एयरपोर्ट मुंबई, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जिसको कि डमडम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, कोलकाता के अंदर है ये, एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली के अंदर है, और मीनाबक्कम एयरपोर्ट ये चेन्नई के अंदर है। इसके अलावा तिरुवनंत एयरपोर्ट, ये भी आप करके आई हो मैप के अंदर, केरल के अंदर। ये क्या काम करते हैं, ये इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर प्रेजेंट इन बैंगलोर। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये प्रेजेंट हैं बैंगलोर के अंदर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी एंड नेडमसरी निडम्बुश्री, यहाँ पर ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि इस जगह पर प्रेजेंट हैं ऊपर वाले एयरपोर्ट्स के अलावा। फिर आता है फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट, ये आपका सेकेंड एयरपोर्ट है। फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट, दीज एयरपोर्ट्स प्रोवाइड टेक ऑफ, और ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं टेक ऑफ ऑफ लैंडिंग फैसिलिटीज, टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्मॉल एंड बिग एयरक्राफ्ट। छोटे और बड़े सभी प्रकार के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको टेक ऑफ और लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन, और ये हैं अगरतला, अहमदाबाद, रास सन्यासी अमृतसर के अंदर है, अमौसी लखनऊ के अंदर है, पटना, बेगमपट हैदराबाद में,
सेंट थॉमस चेन्नई के अंदर, सफदरजंग दिल्ली के अंदर, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली, बारापानी, शिलोंग एट्सेट्रा। यहाँ पर फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा 38 मीडियम एंड 28 स्मॉल लेवल एयरपोर्ट्स हैं एंड गवर्नमेंट एड फ्लाइंग क्लब्स, और गवर्नमेंट के थ्रू की सहायता के थ्रू फ्लाइंग क्लब्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं हमारी कंट्री के अंदर, विच प्रोवाइड ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं पायलट्स को। सांगा नियर एयरपोर्ट, ये सिचुएटेड है जयपुर राजस्थान के अंदर, ये फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट के अंदर आता है। इट कंटेन टू टर्मिनल्स, इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं फ्रॉम वेयर, जिससे जहाँ से डोमेस्टिक एंड सम इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर ऑपरेटेड, यानी डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू एंड प्राइवेट एयरलाइंसेस। इट प्रोवाइड फ्लाइट सर्विस, और ये प्रोवाइड करता है फ्लाइट सर्विस टू ऑल द मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मीडियम लेवल एयरपोर्ट आर प्रेजेंट इन रतनाडा जोधपुर के अंदर एंड डबॉक उदयपुर के अंदर, विच प्रोवाइड फ्लाइट्स, ये प्रोवाइड करते हैं फ्लाइट्स मेजर सिटीज के अंदर ऑफ द कंट्री। कोटा के अंदर छोटा एयरपोर्ट है, कोटा है स्मॉल एयरपोर्ट एंड एन एयरपोर्ट इज ऑल्सो बींग बिल्ट नियर द किशनगढ़ इन अजमेर। अजमेर के अंदर भी किशनगढ़ है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, फ्रॉम जहाँ से जो फ्लाइट सर्विस है वो दी जाएगी नियर फ्यूचर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में। सिंस द टाइम ऑफ मैनकाइंड अपीयर, जब इंसान अर्थ प्लेनेट पर अपीयर हुआ था, ही हैज बीन यूजिंग सम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के कुछ मीडियम को यूज किया करता था। मैनकाइंड हैज सम अ लॉन्ग वे ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के रास्ते पर चल काफ़ी लंबे समय बाद वो पहुंचा है। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ही हैज अचीव सच माइलस्टोन, और हर अपने लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, विच प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ कम्फर्ट, जिसकी वजह से उसको हर प्रकार के कम्फर्ट और फैसिलिटीज और अ परफेक्ट लाइफ स्टाइल ये मिल पा रही है। टूडे कम्युनिकेशन इज इन हैंड ऑफ मैनकाइंड एंड रिवोल्यूशनरी स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दिस सेक्टर। Numerous new sources, new resources, new facilities have been obtained, which help us stand at very high level in today's modern world. इसका मतलब ये कि नए sources, number of numerous होते हैं, बहुत सारे नए sources हैं, नए resources हैं, नई facilities हैं जो कि मदद करती हैं हमारे very high level को, जो आज modern age के अंदर यूज़ किया जा रहा है, यानी जो मॉडर्न एज है वो वेरी हाई स्टैंडर्ड है हमारा। इवन आफ्टर द सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर ऑफ द मैसेज रिमेनिंग इमोबाइल, लॉन्ग डिस्टेंस ये इमोबाइल हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इजी, ये बहुत आसान हो गया है। रेडियो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ग्रुप, प्रेस, सिनेमा, इंटरनेट, केबल टीवी, मोबाइल, सेटेलाइट एक्सेट्रा आर द मेजर कम्युनिकेशन, ये कुछ मेजर कम्युनिकेशन हैं मीडियम इन द कंट्री विद रिगार्ड द प्राइवेट टेली कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया, अगर हम कहें कि जो पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो इज द लार्जेस्ट एंड हैंडलेस पार्सल, इसके ये बहुत बड़ा है, और इसके अंदर हैंडलेस पार्सल, पर्सनल लेटर्स, स्पीड पोस्ट इनको एटसेट्रा, कार्ड, एनवेलप एंड सील लेटर आर इंक्लूड इन द फर्स्ट क्लास पोस्ट, इनको इंक्लूड किया गया है फर्स्ट क्लास पोस्ट के अंदर एंड दे आर कैरिड, और ये कैरी किए जाते हैं वन प्लेस से अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर थ्रू रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज एंड वाटरवेज के थ्रू इनको
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडियम जो हैं वो हैं टेलीफोन, इंटरनेट। टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस आर मेनली इंक्लूड इन द मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडियम। इनको इंक्लूड किया गया है मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। वैन द इंटरनेट स्टार्ट इन 1969, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ 1969 के अंदर, एट दैट टाइम दिस नेटवर्क वॉज यूज टू सेंड, और उस समय ये जो नेटवर्क था उसको यूज़ किया जाता था सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन लिमिटेड स्फेयर ओनली। केवल लिमिटेड स्फेयर में ही ये मैसेज को भेज सकते थे और रिसीव कर सकते थे। फिर जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1972 इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, जब ये कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर रिवोल्यूशन आया 1972 के अंदर, अलॉन्ग विद द स्टार्ट ऑफ ईमेल, और ये रिवोल्यूशन आया था ईमेल के स्टार्ट होने के साथ साथ, ईमेल सर्विस के स्टार्ट होने के साथ साथ, विद द हेल्प ऑफ ईमेल, ईमेल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ईमेल, ईमेल की मदद से, ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैसेज को किस वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के अंदर आसानी से पहुंचाया जा सकता था। इंटरनेट फैसिलिटी इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, और इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से ये एक सेकेंड का मैटर बन गया। पहले टाइम लगता था पहुंचने में, लेकिन ईमेल की वजह से एक सेकेंड के अंदर वो पहुंच जाता है। थ्रू ईमेल, ईमेल से वन मैसेज कैन बी सेंड टू मल्टीपल रिसिपेंट, और ये एक मैसेज को हम एक साथ कई रिसिपिएंट्स के पास पहुंचा सकते हैं इन सिंगल इंस्टेंस, एक ही इंस्टेंस के अंदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होने लगी है ईमेल के थ्रू। दिस प्रोसेस इज लेस एक्सपेंसिव, और ये जो प्रोसेस है वो कम एक्सपेंसिव है, कम समय कंज्यूम करती है। थ्रू दिस, इससे वेरियस पीपल सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट, जो अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट में रहते हैं वर्ल्ड के, वो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से ऑडियो एंड वीडियो कैन, ऑडियो और वीडियो सेंड किए जा सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पर वर्ल्ड में। एंड इट इज़ ईजी एंड फास्ट वे, और ये आसान और जल्द से पहुंचने वाला एक तरीका है। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इंसिडेंट, कोई भी घटना कहीं भी घट रही हो किसी भी पार्ट के अंदर किस वर्ल्ड के, कैन बी पर्कुलेटेड टू द पीपल, और वो पहुंचाई जाती है घरों में बैठे हुए लोगों के पास, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर बैठे हो, यानी उन तक वो चीज़ पहुँच जाती है। इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल, इंटरनेट सर्विस जो है वो अवेलेबल है थ्रू टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू वाइज ब्रॉडकास्ट इन द फॉर्म ऑफ 2G, 3G एंड 4G। आप तो जानते ही हैं 2G नेटवर्क है ये। टेलीफोन, टेलीफोन इज एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम इन्वेंटेड बाय द ग्राहम बेल। टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था, इसको इन्वेंट किया था ग्राहम बेल ने। आफ्टर इट्स इन्वेंशन, इसके इन्वेंशन के बाद जो वर्क एबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई। विद इट्स हेल्प पीपल सिटिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग दुनिया के दूर अलग अलग पार्ट्स के अंदर बैठे हैं, कैन ईजीली टॉक, वो आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने मन के विचारों को रख सकते हैं एक दूसरे के पास। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एसटीडी और ISD सर्विस के इंट्रोडक्शन के बाद, टेलीफोन सर्विस के अंदर पीपल कैन डायरेक्ट टॉक विद इन आउटसाइड ऑफ द कंट्री, कंट्री के आउटसाइड वो बात कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, बाय डायरेक्टली डायलिंग द नंबर। देयर आर फिक्स कंट्री एंड सिटीज कोड, और हर कंट्री और सिटी के अपने फिक्स कोड होते हैं एसटीडी और ISD सर्विस के, एंड विच हैज़ टू बी एंटर्ड बिफोर द रिस्पेक्टिव टेलीफोन, और जो कि टेलीफोन नंबर से पहले उनको ऐड करना पड़ता है, यानी पहले उनको यूज़ करेंगे उसके बाद टेलीफोन नंबर यूज़ करा जाता है, जिससे कि आप डायरेक्टली बिना डिले किए उनसे बात कर सकते हैं। तो ये टेलीफोन से रिलेटेड हो गया आपका। अब है मोबाइल, मोबाइल इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में मैं क्या समझाऊँ आपको, कि मोबाइल के इन्वेंशन के साथ साथ, अलॉन्ग विद द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल, अ सिग्निफिकेंट रिवोल्यूशन, एक बहुत तेजी से महत्वपूर्ण रिवोल्यूशन आया
टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विस के फील्ड के अंदर। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, मोबाइल फ़ोन की मदद से ये इम्पॉर्टेंस है इसकी, वन कैन डायरेक्टली स्पीक टू विद अनदर पर्सन हु इज़ यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ द मोबाइल फ़ोन। जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उससे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। मोबाइल सर्विस प्रोवाइड द फास्ट स्पीड, और ये मोबाइल सर्विस है वो फास्ट स्पीड प्रोवाइड करती है। 3G 4G इंटरनेट सर्विस, हेल्प टू कंडक्ट वीडियो कॉलिंग, जिससे कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। वेरियस मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो मेड द कम्युनिकेशन सर्विस ईजी, और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं जिससे कि कम्युनिकेशन सर्विस को ईजी किया गया है एंड फास्ट किया गया है डे आफ्टर डे। न्यू टेक्निक्स बींग नई नई टेक्निक्स हैं एंड को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस सेक्टर के अंदर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपको बताया उसको आप याद कीजिएगा और इनके नोट्स बना लो तो अच्छा है, नहीं तो आपको क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं कैसे नोट करने हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।